हैदराबाद में स्पाइसी खाना खाते हैं लोग, है टॉलरेंस है इतनी। इडली कहाँ खाने का हैदराबाद में, बटर वाले बेगम बाजार में मियाँ, बहुत ही फेक है सर। ये खास है यहाँ का। हाँ, उसमें वो जो ब्लैक कलर का है ना, दो मिनट पूरे गायब हो जाते हैं, दो मिनट में पूरे गायब हो जाते हैं। एल्ला उन्नरू दोस्तों, नेनू किर्राक, मतलब तेलुगु में आप कैसे हो, मैं एकदम बढ़िया हूँ। ब्रेकफास्ट हैदराबाद का कर रहे हैं मस्त एकदम, मेरे पीछे है राम की मंडी, दिन की शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से और बेहतरीन चीज़ें आपको दिखाएंगे। वीडियो को आपने सबसे पहले लाइक कर देना और कमेंट करके आपने लिखना है आज हैदराबाद। ये ब्रेकफास्ट का पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि बेहतरीन चीज़ें चैनल पर आते रहती है। द फेमस राम की मंडी के दोस्त इधर बनने स्टार्ट हो रहे हैं। कितने टाइप के दोस्त रहते हैं? 12 वेराइटी रहती है, प्लेन मसाला चीज ऐसा प्लेन मिले में रहता, बटर डोसा, चीज डोसा, पनीर डोसा, पिज्जा डोसा, डबल चीज डोसा, शेजवान डोसा, क्रीम डोसा, पालक डोसा, पालक पनीर डोसा, मोजरेला चीज डोसा, डबल चीज डोसा, शेजवान पनीर, शेजवान क्रीम, सारे याद है आपको? हाँ। और इसके टाइमिंग क्या रहते हैं? 4 to 1 सुबह 4 बजे से 1 बजे तक। अच्छा, मतलब यहाँ पे जैसे दिन होता नहीं है उससे पहले इनके डोसा मिलने शुरू हो जाते हैं, रात के उजाले में डोसे मिलने शुरू हो जाते हैं। ये कौन से वाले डोसे लग रहे हैं अभी? ये जो अभी बन रहा है पिज्जा डोसा बन रहा है आपका, पिज्जा डोसा बन रहा है, दे दो उनको। ये क्या पोड़ी बन रही? हाँ, एक आरम पोड़ी है, मतलब गर्म मसाला ये। अच्छा, ये अब अलग अलग बन रहे हैं। ये घी है? उपमा, उपमा है। अच्छा, उपमा। ये सारे डोसा इसमें पड़ता है? सब में पड़ता है, सब में कॉमन है। और जिसे जो रेड चटनी है ना, वो गार्लिक जिंजर पेस्ट है, वो गार्लिक जिंजर पेस्ट है जो रेड वाला है ना चटनी। तो कॉमन क्या क्या सब में पड़ता है? सब में कॉमन गिरता है उपमा, जिंजर गार्लिक पेस्ट। हाँ, ये गरम मसाला, गरम मसाला। अच्छा, ये सब कॉमन है। जो अलग अलग जिससे होता है वो चीज हो गया, मसाला हो गया, ये सब में कॉमन आता है, ये कॉमन है सब में कॉमन। और ये कितने टाइम से है? ये 32 साल। 32 साल से, 32 साल से वही रात के टाइम से चलता है? नहीं सर, ये 10-12 साल हो रहे। अच्छा, रात के 4 बजे। हाँ, ये 4 बजे वाला क्या सिस्टम है एक बार बताएंगे? ये जो रात में कंपनियां चालू है ना, जो रात में कंपनियां चल रहे हैं। हाँ, जिनके नाइट शिफ्ट होता है। अच्छा, उन लोगों के लिए स्पेशल। हाँ, उन लोगों के लिए स्टार्ट किया था, बट अब लोग आपके लिए 4 बजे उठने लग जाते हैं। बेटा चीनालपुर में। आपका क्या नाम है जी? राम। अच्छा, आप ही का नाम है राम की मंडी? तो मंडी का मतलब, थोड़ा जूम मारोगे, जूम आउट करोगे, बंडी का मतलब होता है पुष्कर। पुष्कर, ये तीन, मतलब तीन बंडी है, ये तीन बंडी है। हाँ, क्रीम बना। तो ये आप देख रहे हो, सारे के सारे डोसा लग रहे हैं। तो सारे डोसा इस पे कॉमन, चाट मसाला, गरम मसाला, उपमा, उपमा सब पे बटर आता है, मसाला बटर कॉमन है। अच्छा, इस पे ऐड ऑन होता है, जैसे ऐड ऑन, जैसे पिज्जा हो गया, ऐड ऑन पिज्जा हो गया, शेजवान क्रीम हो गया। अच्छा, शेजवान क्रीम हो गया, बता दो। एक पालक पनीर वाला भी होता है? ये पनीर, ये पनीर होता है, बटर पनीर, बटर पनीर ये वाला लग रहा है, ये लगा। लोग काफी दूर दूर से आते हैं आपके दोस्त खाने, बाहर कंट्री से भी आते हैं। अच्छा अच्छा, ये क्रीम, अमूल क्रीम भी पड़ते हैं इसमें? हाँ जी, एक क्रीम डोसा हो गया, ये दोनों आप ट्राई करिए। अच्छा, ये कौन सा है? ये पिज्जा में ऑरेगानो और ये चिली फ्लेक्स। ऑरेगानो, चिली फ्लेक्स। अच्छा, ये पिज्जा डोसा बन रहा है? ये पिज्जा डोसा बन गया है। अच्छा, अब इसमें कटिंग करना चालू कर दे। एक बारी में इस पे कितने, 3, 6, 8, 8, 16 16 डोसे एक कार्ट पे बनते हैं? हाँ। तो एट ए टाइम 3 पे आपके 16, 32, 48 एक बारी में 50 डोसे और फटाफट निकल जाते हैं। फटाफट निकल जाते हैं, ये हो गया डोसे पूरे रेडी। और इसका बैटर किसका रहता है, दाल का, दाल और चावल का? ये मल्टीग्रेन है, मल्टीग्रेन बैटर है। हाँ। क्योंकि मैं देख रहा हूँ थोड़ा अलग कलर है, अलग कलर, थोड़ा लिटिल बिट येलो रहता है। हाँ, इसमें क्या है, 5-6 आइटम मिक्स रहते हैं। क्या प्राइस रहता है इसका? इसका 80 का है, इसका 100 का है, इसका 130 का है, पिज्जा डोसा 130 का है। तो एवरेज 100 रुपीज प्राइस है? एवरेज नहीं, एवरेज 80 पकड़ लिया, एवरेज 80 पकड़ के ले। तैयार हो गए सारे डोसे? तैयार हो गए, तैयार हो गए, बस देना है, बस अब देना है। हाँ, दो मिनट पूरे गायब हो जाते हैं, दो मिनट में पूरे गायब हो जाते हैं। देखते जाइए, अब दो मिनट भी नहीं लगेगा। तो पहले ये 2 बजे भी लगा करता था। हाँ, हम लोग 2:30 बजे 3 बजे आए हुए हैं। अच्छा, इतनी भीड़ होती है, सुबह भी नहीं होती थी, कॉर्पोरेट्स के चक्कर में स्टार्ट किया था रात में। चलो डोसा पे अटैक करते हैं। अच्छा, ये शेजवान क्रीम है, वो इसमें अमूल क्रीम वगैरह पड़ी थी यार। वो डोसा इतने सारे सिमिलर लग रहे थे ना, पर इनका टेस्ट अलग अलग होगा थोड़ा। हाँ। और इसमें पिज्जा वाला, इसमें पनीर भी ग्रेट कर रहा है, और देखो चीज का पुल भी आ रहा है। कौन, हाँ कौन से पता चल रहा है कि ये पिज्जा है? चीयर्स करना चाहिए, चीयर्स करना चाहिए, मॉर्निंग चीयर्स, मॉर्निंग चीयर्स। फ्रोजन, उसको मुंह में एंजॉय करो, मार्केट है, फ्लेवरफुल है। ये जो डोसा का बैटर है, ये भी बता रहे थे मल्टीग्रेन रहता, अलग रहता कुछ। और ये चटनी है, ये मूंगफली की चटनी है। हाँ, थोड़ा चटनी में थोड़ा दरदरा सा टेस्ट है। हाँ।
डिफरेंट है, चटनी का भी डिफरेंट है। शेजवान क्रीम डोसा स्पाइसी है, हैदराबाद में स्पाइसी खाना खाते हैं लोग, है टॉलरेंस है इतनी। ये ऐसा है तो आप खुद ही सोच सकते हो हैदराबाद की बिरयानी कैसी होती होगी, कैसी होती होगी। अब ये पिज्ज़ा डोसा ट्राई करते हैं। ये थोड़ा क्रीमी है, सॉफ्ट टेक्सचर है इसका, बटरी है, ग्रीसी है, सैचुरेटेड है, वो क्रिस्पी है, शार्प है, स्पाइसी है, और वो क्रीम जो है ना, क्रीम इज जस्ट एक्टिंग लाइक अ ग्रेवी। मेरे को ये वाला ज़्यादा बढ़िया लगा, मेरे को भी ये वाला है ना। सुबह सुबह आई एम एंजॉइंग माई ब्रेकफास्ट हैदराबाद में। बाकी बहुत फेमस जगह है, एड्रेस वेड्रेस की आपको जरूरत नहीं है, गूगल मैप्स पे डालो, एप्पल मैप्स, कोई भी फलाना ढिमकाना मैप्स पे डालो, आपको सिर्फ राम की मंडी डालनी है। एक चीज़ है, कभी बार रोड के इस साइड होता है, कराची बेकरी के इस साइड होता है, कभी इस साइड, आज इस साइड था। पहले कराची बेकरी के अपोजिट हुआ करता था, आपके लिए बिसाइड खोलने लगे इस साइड। पहले एक मंडी था, अब तीन हो गया, थोड़ा बिजनेस एक्सपैंड हो गया ना, अंदर पूरा एरिया मिल गया। मतलब ये जैसे मुंबई के फ्यूजन डोसास होते हैं ना, वैसा सा फील दे रहा है, पर इसका टेस्ट थोड़ा थोड़ा सा ऑथेंटिक डोसास की तरफ है। मतलब इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन कि इफ इट्स अ प्लेन डोसा और अ फ्यूजन डोसा। मतलब ऐसे बोल सकते हो जैसे बैंगलोर का डोसा है, थोड़ा रेडमिक होता है, उसको और मुंबई वाले को मिक्स करते हो तो व्हाट यू गेट इज इन हैदराबाद। ये भी क्या लगा रहे हो राम भाई? ये आपकी तवाडली बन रही है। ये इडली पे गार्लिक जिंजर पेस्ट आ गया, गार्लिक जिंजर पेस्ट आ गया, ऑनियंस और कोरिएंडर और गाजर आ गया, और ऊपर से बटर आ गया। क्या क्या प्राइस रहता है? 100 रहता है, 100। और ये आपका पोड़ी आ गया। हाँ, ये चाट मसाला है इसके ऊपर, चाट मसाला। इसको वैसे पोड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पोड़ी बोलते हैं, पोड़ी अलग रहता है, बट ये अलग है, ये अलग है, ये घर पे बनता है, अलग ये घर पे बनता है। मसालों की खुशबू आ रहा है ना एकदम। हाँ, तवा इडली अच्छे से फ्राई करना पड़ेगा, वो अच्छे से वो पूरा पक जाएगा मसाला, और वो जिंजर गार्लिक पेस्ट इसके अंदर के बाद चीज आएगा, पनीर आएगा, मोजरेला आएगा। अच्छा, अभी कुछ भी नहीं है इसका पार्ट, अभी और बहुत सारी चीजें डलेगी इसमें। पहले अच्छे पकेंगे इसको पहले। ये आपके इस तवे पे एक इडली दो डोसे की जगह घेरती है। नहीं, तो पूरे डोसे की जगह घेरती है, इसके बनाता नहीं है, फुर्सत बना। मतलब इडली फुर्सत वाली चीज है, प्यार से खिलाए बंदा, वैसी वाली चीज है। ये चीज नहीं, मोजरेला चीज है, ये मोजरेला चीज है। अच्छा, वो जैसे वो ऐसे स्ट्रेच आता है जिसका, एग्जैक्टली। हाँ, ये ऊपर से चीज, ये अमूल चीज। अच्छा, मोजरेला चीज और चीज स्लाइस, स्लाइस इसके ऊपर है, स्लाइस है। ये है इडली खाने का एकदम यूनिक तरीका। हाँ भाई, और देखो और इनकम्लीट है ये। अच्छा, अभी और डरेगा, और इस पे आएगा पनीर, हो गया ये, हो जाएगा कॉटेज चीज। सारी टाइप की चीज आ गई है, मतलब एक देसी चीज, चीज स्लाइस, मोजरेला चीज, फुल भी आ गया इस पे, थोड़ा वो आ गया चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो और ओरिगेनो फ्यूजन चीज है। मारो थोड़ा सा ढकेंगे ताकि चीज मेल्ट हो जाए, मेल्ट हो जाए। ये आपका हो गया तैयार। ये सारी आप ही की इन्वेंशन है? जी जी सर, जी सर। कैसे ख्याल आते हैं आपको इतने बढ़िया बढ़िया रेसिपी बनाने के लिए? बस एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मैटर करता बहुत बड़ा, और शौक भी मैटर करता है। हाँ, शौक तो मैटर करता ही करता है, अच्छा शौक चल रहा है ये फ्यूजन का। और चटनी भी आपकी थोड़ी अलग रहती है, क्या इसमें मूंगफली रहता है? मूंगफली रहता है, तकरीबन वही रहता है। अच्छा, दरदरा सा टेस्ट है इसमें, नारियल वाला नहीं रहता है। अच्छा, नारियल नहीं रहता है, मूंगफली की चटनी है, मूंगफली प्योर मूंगफली। अच्छा, ये अलग है, मतलब हम लोग साउथ इंडियन खाने के बारे में सोचते हैं नारियल की चटनी है, मूंगफली की चटनी है। ठीक है, खा के बोली कैसा बनाई? अरे वो आपके डोसा खाए थे एकदम कमाल के बने थे, मजा आया खा के, बहुत कमाल के थे। थैंक यू सर। काफ़ी हैवी ब्रेकफास्ट हो गए, और ये तो अभी दिन की शुरुआत है, अभी वीडियो में जाके आपको और चीज़ें दिखाएंगे। ओहो, चीज़ पुल देखो, चीज़ एक के ऊपर एक लोडेड है, दैट चीज़ पुल। मतलब इसके अंदर कॉटेज चीज़ पनीर डाला हुआ है, चीज़ स्लाइस डली हुई है, मोजरेला चीज़ डली हुई है, और जो इनकी चटनी है ये भी अलग चटनी है, इसमें नारियल ही नहीं डाला। खा लेते हैं इससे पहले इडली गिर जाए। ऐसे देखने में ना काफ़ी जम्बो लोडेड सी लग रही है। ओहो, स्पाइसी है इडली जो है ना, देखने में काफ़ी जो है ना ऐसे लग रही है कि काफ़ी हैवी है, बट ना बेस तो इडली का ही है ना। इडली सबसे जो है ना, जिसे कहते हैं हेल्दी चीज़ है, तो बेस इडली का एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट दानेदार इडली, और इसके ऊपर सारी फ्यूजन चीज़ें हो रखी है। आप सोचो, इमेजिन करो, ये इमेजिन कराना मुश्किल है इसको आके, नहीं मतलब मेरी इमेजिनेशन ऊपर चलती है ना, ये इमेजिन कराना मुश्किल है, आपको इसको आके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। पर ये चीज़ आप तभी खाना जब आप दो तीन दोस्त आओ, क्योंकि इडली काफ़ी लोडेड और हेवी है, 100 रुपीज़ इसका प्राइस है। अब चलते हैं, आपको लेके जाते हैं किसी और बेहतरीन जगह पे, हैदराबाद में नाश्ता चल रहा है ना, नाश्ता पानी और आगे बढ़ाते हैं। नाइस, मेटा सब्सक्राइबर, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग फूडीज हैं जो डोसा सुबह सुबह 4 बजे खाने भी आते हैं यहाँ पे। रेस्टोरेंट है मेरे डैडी का। अच्छा, पंजाबी रेस्टोरेंट है। पंजाबी रेस्टोरेंट है,
नाइस। कहाँ पे? रामफली पे। मैं थोड़े अभी एड्रेसेस समझने की कोशिश कर रहा हूँ, दूसरा दिन ही हैदराबाद में, बट सही है। नाइस टू मीट यू यार। बोलते वेज हलीम। ये क्या है? वेज हलीम है ये। क्या कैसे? मैं खा के देखो कैसा लगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये लास्ट चीज़ है, वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो गई थी, बट ये नेक्स्ट चीज़ एक और आई है। वैसे हलीम इज़ अ नॉन वेज डिश एंड हम लोग एक और थोड़ा सा ऑथेंटिक स्टाइल में जाने की कोशिश करेंगे, बट दिस इज लाइक एकदम स्मूथ उपमा। एग्जैक्ट स्मूथ चटनी, लुक्स भी वैसी दे रखी है। जैसे वो हलीम का टेक्सचर होता है वो तो है, पर हम लोग काफ़ी डेंजरस टेरिटरी में जा रहे हैं अभी। मैं वेज बिरयानी समझ के बैठा था एग्जिस्ट करती है, वेज हलीम मुझे नहीं पता था कभी एग्जिस्ट करते हैं। वेज शॉर्मा वगैरह ये सब भी खिलाए। नहीं वेज शॉर्मा ठीक है, बट वेज हलीम हैदराबाद इज क्रेजी ब्रो। क्या कहते हैं उसको? किराक। नीलोफर की ईरानी चाय लग रही है, उसमें वो जो ब्लैक कलर का है ना, ये चाय चाय की पत्ती कॉन्सेंट्रेट। दूध आया, चाय की वेसल गई, और ये पैकिंग की डल दी है। देखो दूध डाला, पत्ती डाली, डन। दूध कुछ लोग मलाई डालते हैं, कुछ नहीं डालते, सबका अलग अलग रहता है। और बेसिकली ईरानी चाय इज दिस ओनली। ईरानी चाय को एंजॉय करने के लिए ईरानी बिस्किट्स खाएंगे, उस्मानिया बिस्किट्स लेते हैं। ये आगे हमारे उस्मानिया बिस्किट्स। सुबह का नाश्ता हैदराबाद में चाय के बिना अधूरा है, और चाय ईरानी चाय वरना मजा नहीं है। ये लो, हैव अ ईरानी चाय, यू हैव अ उस्मानिया बिस्किट। उस्मानिया बिस्किट होता क्या बेसिकली, मतलब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन उस्मानिया बिस्किट एंड अ रेगुलर बिस्किट? थोड़ा सा सॉल्टी होता है, हायर ऑन द सॉल्ट साइड। अच्छा तो सॉल्टी टच होता है इसका। ऐसा डिप करके खा लूँ ना, गलत तो नहीं कर रहा ना? भूल गया पूरा, मेल्ट हो जाता है। एक हैदराबाद के टिपिकल ब्रेकफास्ट में बंदी, किसी भी बंदी पे जाके इडली डोसा खाओ और चाय पियो, है ना? और अगर के ब्रेकफास्ट में नहीं, हर एक में चाय इंक्लूडेड है। चाय तो हर एक, पर हैदराबाद के ब्रेकफास्ट में ईरानी चाय है। और ये उस्मानिया का भी ना थोड़ा बटरी सा, मतलब इट्स नॉट सॉल्टी बट इट्स वो जो बटर से सॉल्टी होता है, और एकदम खस्ता। नहीं हैदराबाद में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ब्रेकफास्ट में, अभी थोड़ा सा ही देखा है, और भी चीज़ें देखनी है अभी। चलें आगे, चलें आगे। लोग मस्त है, लोग यहाँ पे ना सही है, हैदराबाद का क्राउड ना बढ़िया। इधर इडली का क्या स्पेशल रहता है? व्हाइट बटर। वो आगे देखो, ये इडली पे व्हाइट बटर रहता है। हाँ वाइट मक्खन रहता है, मक्खन रहता है, मक्खन चटनी पूड़ी। क्या रेट रहता है इसका? साठ रुपया रहता है। इधर रहता है बेगम बाजार, रहता है बेगम बाजार। एग्जैक्ट किधर पड़ता है? ये बेगम बाजार फिश मार्केट, बेगम बाजार मार्केट। इडली डोसा वड़ा सब रहता है, मक्खन मेन रहता है, मक्खन मेन रहता है। 60 रुपीज का इडली, आ जाओ टेस्ट करते हैं। ये भी 60 का, चार पीस इडली या फिर डोसा पनीर वाला, एकदम डिफरेंट स्टाइल में निकल गया है। अच्छा वो पिज़्ज़ा स्लाइसेस में कट करके, नाइस। गरम गरम मैसूर भजी आ रही है। अब ऐसा करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा दिखा दिया, टेस्टिंग करते हैं, मेरा भी मन कर रहा है इतना सारा गरम गरम खाना देख के। आइए वाइट बटर वाली इडली खाते हैं विद पोड़ी। इधर से पोड़ी लिया, इधर से वाइट बटर लिया, इधर से इडली लिया, और एकदम दानेदार इडली है, और सारा टेस्ट ना वाइट बटर का है। इस आवाज़ में कुछ भी खाने का मज़ा डबल ट्रिपल हो जाता है। यहाँ के ओनर कह रहे हैं सफ़ेद मक्खन बोलो आप, वाइट बटर मत बोलो, ये सब दिल्ली में वो जानते हैं। बहुत बढ़िया, एकदम दानेदार इडली है, 60 रुपये की है, मक्खन लोडेड। मतलब मक्खन वाले पराठे आपने वह खाए होंगे, मक्खन वाली इडली नहीं खाई होगी। ये मिलती है आपको बेगम बाजार में, हैदराबाद में। क्या इडली है, इडली कहाँ खाने का? हैदराबाद में बटर वाली बेगम बाजार में मियाँ, बहुत ही फेक है। किर्राक इडली। मेरा नाम पवन। राम भाई इडली मंडी। कौन सा? राम भाई इडली मंडी। कितना टाइम हो गया आपको? 40 ईयर्स। 40 ईयर्स
तो ये मक्खन स्टार्टिंग से ही है, ये आपका स्पेशलिटी है, ये खास है यहाँ का मक्खन वाली इडली, ये राम भाई का खास। एकदम ये फ्रेश बैच ऑफ इडलीज बन रहा है अभी, देखो फटाफट फटाफट इडली बनता है, डोसा बनता है, पाँच दस मिनट बनता है, फटाफट फटाफट बनते रहता है, वेरी पॉपुलर मक्खन वाली इडली। इनको पता है एक हाथ सीधा मारा उतना ही क्वांटिटी निकला, पट पट डन, और इधर डन। और अभी के लिए हम भी डन है फॉर हैदराबाद का फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेकफास्ट। मिलते हैं आपसे ऐसे ही बेहतरीन खाने की वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर दो वेजी पाजी, टिल नेक्स्ट टाइम बढ़िया खाते रहो, स्टे हैप्पी, बाय बाय।